हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतास कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे बर्गर पिज़्ज़ा यानी कि बन पिज़्ज़ा, एकदम झटपट और बहुत डिलीशियस, वो भी होममेड इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस के साथ। सबको, स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। चलिए आइए हम बनाते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हम चार बड़े बर्गर बन लेंगे और उसे बीच से कट करके कैविटी बना लेंगे। एक्सेस ब्रेड निकाल देंगे और कुछ इस तरह रेडी कर लेंगे। हम इस ब्रेड क्रम्स को किसी भी तरह की बाइंडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। बंस रेडी हैं। इंस्टेंट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लहसुन, 1/4 कप प्याज, 1/4 कप टमाटर, 1/4 कप कैप्सिकम, 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न। इन सब से हम एकदम झटपट इंस्टेंट सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 1/2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। पहले लहसुन ऐड करके उसे अच्छे से सौते कर लेंगे। थोड़ा ब्राउन होने पर प्याज डाल देंगे। हल्का भूनकर इसमें डालेंगे हम टमाटर। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। बस टमाटर को थोड़ा गलने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और कॉर्न और इसे 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए। बस इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून टमाटो सॉस। वन टीस्पून ओरिगैनो या इटालियन सीजनिंग और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। जैसे ही सॉस थिक हो जाए इसे बंद कर देंगे। हमारी इंस्टेंट सॉस रेडी है, इसे एकदम ठंडा होने देंगे। अब हम बंस को अच्छे से बटर कर लेंगे और इसमें डालेंगे अपनी इंस्टेंट पिज्जा सॉस। अच्छे से स्पून से दबाकर इसे फिल कर लीजिए। ये बर्गर बन सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये। पहले से बिना कोई तैयारी किए ये झटपट से रेडी हो जाते हैं, इसलिए आप इसे कभी भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड चीज़। कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नॉर्मल चीज़, मोज़रेला चीज़। और थोड़ा सा ऊपर से कॉर्न और कैप्सिकम से गार्निश कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखे। और लास्टली स्प्रिंकल करेंगे ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ नॉनस्टिक फ्राइंग पैन को 5 मिनट प्रीहीट करके बटर से ग्रीस कर लिया है। इसमें बंस को सेट करेंगे और एकदम लो फ्लेम पर ढककर 8 से 10 मिनट बेक कर लेंगे। थोड़ा बटर और ऐड करेंगे। चीज़ मेल्ट हो जाए और बेस ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। बस हमारा यमी पिज़्ज़ा बर्गर रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।